नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। कानपुर, कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन में कानपुर प्रशासन ने शराब बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा रखी थी। शराब की दुकानें पूरी तरह से बंद होने के कारण शराब पीने वालों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। शराब की कालाबाजारी करने वालों की तो मानो लॉटरी खुल गई हो। शहर में दोगुने और तीन गुने दामों पर शराब छुप छुप कर बिकने लगी थी। आज कानपुर जिला प्रशासन ने सुबह 10 बजे से 12 बजे तक लॉकडाउन गाइडलाइन के साथ अंग्रेजी और देशी शराब की दुकानों को खोलने का आदेश दे दिया है। शराब दुकानों के खुलने की खबर जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गई और देखते ही देखते शराब की दुकानों में भीड़ उमड़ पड़ी, लेकिन यहां पुलिस का कोई प्रबंध दिखाई नहीं दिया। कोरोना गाइडलाइन के चलते सभी मांडल शॉप बंद रहेंगे एवं देशी शराब ठेके के कैंटीन भी बंद रहेंगी। बिना मास्क के किसी भी ग्राहक को शराब नहीं बेची जाएगी। दुकान के बाहर 6 फीट की दूरी में गोले भी बनाने का आदेश हुआ है। दुकानदार अपने हाथों में ग्लव्स और मास्क पहनकर ही बिक्री कर सकेंगे। खबर समय जगत के लिए कानपुर से मुकेश दीक्षित की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।